फ्रूट को हम नॉर्मली फर्टिलाइज्ड ओवरी बुलाते हैं, फ्रूट्स को हम बुलाते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी, है ना, फर्टिलाइज्ड ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, जब ओवरी ट्रांसफॉर्म होता है फ्रूट के तरफ तो उसको हम बुलाते हैं फ्रूट एज द नेम सजेस्ट। तो क्या क्या चेंजेस हुई अंदर, अगर एक ओवरी को फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होना है हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी बेसिक्स चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और उसके लास्ट पार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रूट्स एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद फ्रूट्स। हमने डबल फर्टिलाइजेशन कवर कर लिया है, हमने सीड्स कवर कर लिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए जिसके बाद आप फ्रूट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। तो पहले हम लेते हैं फ्रूट्स का डेफिनेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म फ्रूट? फ्रूट को डिफाइन कैसे करते हैं? फ्रूट को हम नॉर्मली फर्टिलाइज्ड ओवरी बुलाते हैं, फ्रूट्स को हम बुलाते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी, है ना, फर्टिलाइज्ड ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, जब ओवरी ट्रांसफॉर्म होता है फ्रूट के तरफ तो उसको हम बुलाते हैं फ्रूट एज द नेम सजेस्ट। तो क्या क्या चेंजेस हुई अंदर, अगर एक ओवरी को फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होना है तो क्या क्या चेंजेस हुए होंगे, है ना, दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न। सीड जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो हुआ होगा ओव्यूल से, राइट? तो जब एक फ्रूट बन रहा है तो नॉर्मली उसके अंदर सीड्स भी बनती हैं जो डिराइव होती हैं ओव्यूल से। जो हमारे पास ओव्यूल थी वो बन गई सीड, जो ओवरी था वो बन गया फ्रूट, है ना। और इसके चलते जो फ्लावर्स में सेपल्स थे, पेटल्स थे, जो स्टेमन थे, वो सारे गिर चुके होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये जो सारे वर्ल्स थे, कोरोला हो गया, केलिक्स हो गया, एंड्रीशियम हो गया, ये सब कुछ डिजनरेट हो चुका होगा, ये सब कुछ विदर अवे या फॉल ऑफ हो चुका होगा फ्रॉम द फ्लावर। अब हमारे पास बचा है सिर्फ ओवरी जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है फ्रूट के अंदर। ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब फ्रूट्स में कई तरह के फ्रूट्स होते हैं। जब ओवरी फर्टिलाइजेशन दिखाता है तो आप जो फ्रूट देखोगे उसे बुलाओगे ट्रू फ्रूट। तो कैसे कैसे टाइप्स मिलेंगे हमें एक मिलेगा ट्रू फ्रूट जो होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो हमें मिलता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एक और कैटेगरी आती है जिसे हम बुलाते हैं फॉल्स फ्रूट। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फॉल्स फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और नॉट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट फॉल्स फ्रूट इज आल्सो फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट द पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फ्रूट फॉर्मेशन वेरी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट दोनों बनते फर्टिलाइजेशन के बाद ही हैं, बट जो पार्ट फ्रूट बनता है वो डिफरेंट है इन बोथ द केसेस। तो ट्रू फ्रूट में हम बोलते हैं दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी, है ना, जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रूट के अंदर। बट इन द केस ऑफ फॉल्स फ्रूट आपको नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो थैलेमस था, जिसे हम रिसेप्टिकल भी बुलाते हैं, वो एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एडिबल मतलब जिसे आप खा सकते हो, उसे हम बोलते हैं एडिबल। तो फॉल्स फ्रूट में वो एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों बनते फर्टिलाइजेशन के बाद ही है, बट जब पूरा ओवरी फ्रूट बन जाए तो उसे आप बुलाओगे ट्रू फ्रूट, और जब जो एडिबल पार्ट है वो थैलेमस से डिराइव हो उसे आप बुलाओगे फॉल्स फ्रूट। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, जैसे ये है हमारा पहला एग्जाम्पल एप्पल। ये आता है फॉल्स फ्रूट के अंदर जो ये पोर्शन है जो हम खाते हैं ये एक्चुअली थैलेमस है, ये फ्लावर का थैलेमस है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन swollen हो जाता है एंड दैट इज गोइंग टू बी द एडिबल पार्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो जो एक्चुअल फ्रूट है ये है, तो जो एक्चुअल फ्रूट है ये पर्टिकुलर पार्ट है जो हम लोग खाते नहीं है, वी जस्ट कट इट ऑफ एंड थ्रो इट अवे, राइट। We eat the portion around it, which is derived from the thalamus or the receptacle, है ना। So that is one example for false fruit. What is the example? Apple, ठीक है। True fruit के लिए आप example ले सकते हो mango का। जो मैंगो में जो एडिबल पार्ट है वो है ओवरी से डिराइव्ड, जो फ्लैशी पार्ट, जो फ्लैश होता है मैंगो का, जो फ्लैशी पार्ट होता है वो है ओवरी से डिराइव्ड, तो उसे आप बुलाओगे ट्रू फ्रूट, ना कि फॉल्स फ्रूट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, और ये है स्ट्रॉबेरी। ये है हमारे पास स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर फॉल्स फ्रूट, ये भी एक एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट का। यहाँ पे भी आप जो खाते हो, जो फ्लैशी पार्ट स्ट्रॉबेरी में हम खाते हैं उसे हम बुलाते हैं थैलेमस, जो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। थैलेमस फ्लैशी कब होता है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्लीज ये याद रखिए। और आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी के ऊपर छोटे छोटे से सीड जैसे मार्क्स दिखाई देते हैं, कभी ब्लैक इन कलर, कभी येलोइश इन कलर, है ना। इसको हम बुलाते हैं एकीन, ये जो पोर्शन है इसको हम बुलाते हैं एकीन। एकीन क्या है? एकीन एक तरीके का फ्रूट है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट, इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट, और जिसके पास नॉर्मली एक सिंगल सीड रहेगा, एक सिंगल सीड रहेगा नॉर्मली, तो इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट। तो आप स्ट्रॉबेरी के ऊपर बहुत सारे एकीन्स को देखोगे। सो स्ट्रॉबेरी जो है वो एक सिंगल फ्रूट, ना कि एक सिंगल फ्रूट है, बट इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, एग्रीगेट ऑफ एकीन, हम उसको बुलाते हैं एग्रीगेट ऑफ एकीन। बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स जो हैं वो एक थैलेमस पे सेटल्ड है और एक ग्रुप बना लेते हैं या फिर एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या है? एक ग्रुप, एग्रीगेट ऑफ एकीन। एकीन क्या है? एकीन इज अ टाइप ऑफ फ्रूट नॉर्मली बेयरिंग अ सिंगल सीड, नॉर्मली बेयरिंग अ सिंगल सीड। और जो भी एडिबल पोर्शन है, जो भी हम लोग खाते हैं इन स्ट्रॉबेरी, दैट इज कॉल्ड एज द थैलेमस और द रिसेप्टेकल, वो थैलेमस है या फिर रिसेप्टेकल है। तो स्ट्रॉबेरी और एप्पल किसके एग्जाम्पल हुए? दे आर एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है? मैंगो। ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है मैंगो। तो ये तो हुए फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑल्सो फ्रूट फॉर्मेशन दिखाई देगा? विल देयर बी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो आंसर आप क्या दोगे? आप दोगे आंसर यस। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 11th में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है कि व्हेन आर्टिफिशियली hormones are applied, plant hormones are applied, you can induce a process called as parthenocarpy, you can induce a process called as parthenocarpy। तो हम उसके बारे में से थोड़ा पढ़ लेते हैं। What is parthenocarpy? तो parthenocarpy जो है that is basically fruit formation without fertilization। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, और जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रूट के अंदर, ओवरी है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रूट के अंदर। दैट इज वाई द फ्रूट्स दैट आर फॉर्म्ड आर सीडलेस फ्रूट्स, द फ्रूट्स दैट आर फॉर्म्ड आर सीडलेस फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जिसके चलते ओव्यूल डिड नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीड। दैट्स व्हाई द फ्रूट्स आर सीडलेस वेराइटीज। लाइक आई टोल्ड यू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्लांट हॉर्मोन्स, आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो कंटेंट आपने पढ़ा था उसको याद करना है. एप्लीकेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन, विच प्लांट हार्मोन, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ. यहाँ पे है आंसर ऑक्सिन. आप जब किसी प्लांट को ऑक्सिन की तरफ एक्सपोज करोगे, व्हेन यू एक्सपोज अ प्लांट टू ऑक्सिन देन यू कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन सर्टन प्लांट्स. मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये यूनिवर्सल है कि हर प्लांट रेस्पॉन्ड करेगा, नॉट नेसेसरी, बट सर्टन प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सपोजर ऑफ ऑक्सिन. अगर आपने ऑक्सिन लगाया है या फिर ऑक्सिन दिया है किसी प्लांट को, तो देयर इज अ चांस कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी इज ट्रांसफॉर्मिंग into a fruit. Such fruits are called as parthenocarpic fruits. और इसका सबसे बेहतरीन example होगा banana. Very good example for this would be banana. So this is about parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits. तो ये एक और concept है हमारे पास. और what are the other types of fruits? Fruits में fleshy और dry, इसके हिसाब से again you have two different categories of fruits. तो वो भी हम देख लेते हैं. So let us take types of fruits based on the fruit wall. Based on the fruit wall. तो based on the fruit wall को हम क्या बुलाते हैं? Based on fruit wall को हम बुलाते हैं पेरिकार्प. आपको याद होगा आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प पढ़ा है. तो जो फ्रूट वॉल फ्लैशी होता है तो हम उसको बुलाते हैं फ्लैशी फ्रूट्स. फ्लैशी फ्रूट्स जिसके अंदर अगेन आपने एग्जाम्पल ले लिया मैंगो का, या फिर आपने एग्जाम्पल ले लिया गुआवा का, और इवन ऑरेंज फॉर दैट मैटर, है ना. ये सारे एकदम जूसी से फ्रूट्स हैं. आपने गुआवा इज नथिंग बट अमरूद, मैंगो आम दिखाया है, तो इट इज़ ऑल फ्लैशी, है ना. फ्रूट वॉल बहुत फ्लैशी होता है. बट एज कम्पेयर टू अनादर कैटेगरी जिसको हम बुलाते हैं ड्राई फ्रूट. अब ड्राई फ्रूट्स का मतलब ये नहीं है कि बादाम हो गया, किशमिश हो गया, वॉलनट हो गया, नॉट दैट, ठीक है. ड्राई फ्रूट्स जो मार्केट में मिलता है वो अलग है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन द फ्रूट वॉल. तो यहाँ पे आप ले सकते हो एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड नट. एक एग्जाम्पल ले लिया आपने ग्राउंड नट. आप राइस का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ राइस एंड ऑल्सो व्हीट. तो ये सारे जो है ये आते हैं ड्राई फ्रूट कैटेगरी में. देयर इज नथिंग फ्लैशी इन दीज फ्रूट्स, है ना. इनके सीड्स एडिबल हैं. ग्राउंडनट, मूंगफली में आपने देखा होगा जो उसका ब्राउन कलर का जो कवरिंग होता है वो एक्चुअली इसका फ्रूट वॉल है, और इसका सीड जो है, इसका बीज जो है ग्राउंडनट का, मूंगफली का, वो हम खाते हैं. तो इसके जो फ्रूट वॉल में हमें फ्लैशीनेस नहीं मिलता, ना ही वो एडिबल होता है, उसे हमें निकाल के फेंकना पड़ता है, है ना. आपने देखा होगा राइस में जो उसका हस्क होता है, ब्राउन कलर का एक हस्क, उसका कोटिंग होता है, वो एक्चुअली इसका फ्रूट वॉल है जिसे हम पेरिकार्प बुलाते हैं. फ्लैशी बिल्कुल नहीं है, एकदम ड्राई सा है, बिल्कुल फ्लैशी नहीं है. तो ये आता है ड्राई फ्रूट्स के कैटेगरी में, ठीक है. बहुत ब्रीफली दे रखा है एनसीईआरटी में, तो एकदम ब्रीफली इसको याद रखो. इन डिटेल आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू सी फर्दर, एक्चुअली फ्लैशी फ्रूट्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, बट यू डोंट हैव टू स्टडी दैट फॉर योर नीट सिलेबस, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तो दिस वॉज अबाउट फ्रूट्स. अब हम बात करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. यहाँ पे हम आएंगे, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अगेन हमने एनसीईआरटी से लिया है. आप ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो ताकि आपको पता चले कितना समझ में आया है ये चैप्टर आपको. हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट. तो ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे टुवर्ड्स द चलाजल एंड हमारे पास है 3 एंटीपोडल सेल एंड वी हैव 2 सिनर्जिड्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, जिसके पास है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस. और फिर हमारे पास है एक एग सेल. वी हैव 1 एग सेल हियर विद द 2 सिनर्जिड्स, और उसके बाद हमारे पास है 2 पोलर न्यूक्लियाई विच आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल सेल, विच आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल सेल। और ये जो तीन है दैट इज द टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल, ये बनाते हैं एग अपैरेटस, so how many eggs are present in an embryo sac? Usually only one egg is present, in an embryo sac, है ना। Embryo sac is also called as female gametophyte, जिसका ploidy है haploid. The entire embryo sac is haploid in nature. How many embryo sacs are present in an ovule? अभी embryo sac present कहाँ है? Ovule के अंदर। Ovule कहाँ present है? Ovary के अंदर, है ना। ये हमारा ovule है, मैं आपको ovule दिखाती हूँ। तो ये था stigma, ये style, और ये है हमारा ovary। ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स होते हैं, जो चेंबर हम बुलाते हैं ओवरी के, और उसके अंदर मिलेंगे ओव्यूल्स। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या था? एग। कितने एम्ब्रियो सैक है इन एन ओव्यूल? टिपिकली इन एन ओव्यूल देयर विल बी ओनली वन एम्ब्रियो सैक। ये टिपिकली है, टिपिकली मतलब मोर कॉमन सीन ऑब्जर्वेशन ये है ना, मोर कॉमनली सीन ऑब्जर्वेशन ये है कि एक ओव्यूल के अंदर हमारे पास एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? अब ये डिपेंड करेगा ऑन एग्जाम्पल, 1 to many। ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल ओव्यूल हो ओवरी में, one ovule in an ovary, ये पॉसिबिलिटी भी है, जैसे हम देखते हैं मैंगो में, या हम देखते हैं राइस या व्हीट में। और इट कुड ऑल्सो बी मैनी ओव्यूल इन एन ओवरी, एक से ज़्यादा बियॉन्ड द लेवल ऑफ आवर काउंटिंग, ये भी पॉसिबल है। मैनी ओव्यूल इन एन ओवरी, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो वाटरमेलन का, या फिर आप एग्जाम्पल ले लो हाइबिस्कस शू फ्लावर का, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, यू जस्ट हैड टू आंसर इट वेरी इजीली। यू कुड हैव रिलेटेड दिस टू मॉर्फोलॉजी ऑल्सो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ले लेते तो वहाँ से भी आप आंसर कर सकते थे। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। मेनी स्टूडेंट्स फाइंड दिस कन्फ्यूजिंग, बट वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन। एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? एपोमिक्सिस में आपको मिलेगा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी क्या था? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट वहां पे सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे एपोमिक्सिस में क्या होगा? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आपको ये याद रखना है कि सीड कहाँ फॉर्म हो रहा है। सीड इज फॉर्मिंग इनसाइड द ओव्यूल, है ना, सॉरी द ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सीड, तो द सीड इज फॉर्मिंग इनसाइड द ओवरी। अब जब सीड फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द ओवरी, तो देयर इज आल्सो हाई चांस के ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन दिखाएगा। बट हम यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सीड फॉर्मेशन की। एपोमिक्सिस इज एन एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये कुछ प्लांट्स नेचुरली दिखाते हैं बिकॉज दे हैव द जीन्स फॉर इट, बट इन सम प्लांट्स वी कैन इंड्यूस इट। दिस इज व्हाट द रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डू। पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सो although seeds in general are products of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization, and that is called as एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। Some species of Asteraceae and grass. Asteraceae sunflower family, सूरजमुखी sunflower family को हम बुलाते हैं Asteraceae। तो वहाँ के कुछ species and grasses have this ability naturally, उनमें वो जीन्स हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस. दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू टेल यू. उसके बाद आप एक क्वेश्चन देखोगे, एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड. तो इसका आंसर क्या होगा, पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी. देखा, एनसीईआरटी को पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे तो पहले ही उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है. ये आप आंसर कर लो, है ना, पार्थेनोकार्पी लिख लो तो यू विल बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द टू. आगे चलते हैं. एक्सक्यूज मी. 10. Apomixis is a form of asexual reproduction. A very important point. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. बहुत important point है ये. पार्थेनोकार्पी क्या था, asexual reproduction था, बट वहाँ पे seed formation नहीं हो रही थी, तो you were not able to say कि it mimics sexual reproduction. बट यहाँ पे एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट एट द सेम टाइम सीड फॉर्मेशन भी हो रहा है, सो यू आर सेइंग दैट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्लीज मार्क इट. ठीक है. अब व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच एपोमिक्टिक सीड्स विल बी फॉर्म्ड. ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे एपोमिक्सिस की हेल्प से सीड फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे. इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो ये हो गया हमारा पहला मेथड ऑफ एपोमिक्सिस. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, डिप्लॉयड एग सेल है हमारे पास, डिप्लॉयड एग सेल है. नॉर्मली क्या होता है हमारे पास एग सेल में, क्या होता है, आई थिंक आई विल राइट इट हियर. तो एग सेल में क्या होता है फॉर्मेशन में, यू हैव अ मेगास्पोर मदर सेल, है ना, जो डिप्लॉयड है, जो मियोसिस दिखाते हुए फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स. 4 मेगास्पोर फॉर्मेशन दिखाता है और इन मेगास्पोर्स की प्लॉइडी को हम हैप्लॉइड बुलाते हैं. 3 डीजनरेट हो जाते हैं एंड देन 1 मेगास्पोर मूव्स ऑन टू बिकम अ फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक, जिसमें एक एग सेल होता है विच इज हैप्लॉइड. ये एग सेल है जो हैप्लॉइड है. बट इमेजिन करो कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ ही नहीं. There is no meiosis occurring. What does it say? Without reduction division. Without reduction division. So there is no reduction division happening, and there is direct development of megaspore mother cell to give rise to an egg cell. So in that case, अगर meiosis नहीं हुआ, तो egg cell का ploidy क्या होगा? Diploid, है ना? Diploid. तो egg cell का ploidy क्या होगा? Diploid, है ना? तो वो जो diploid cell है, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. एग सेल ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जो एम्ब्रियो है उसको भी डिप्लॉयड होना है, बट फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है. तो क्या होगा, ओव्यूल विल फॉर्म इनटू अ सीड देन, बट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो ये हो गया पहला मेथड हमारा. मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यू सेलुलर सेल्स surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryos. ये है हमारा second method. तो यहाँ पे भी हमारे पास examples हैं, वो highlight कर लेते हैं. Citrus and mango, जो नींबू हो गया, orange हो गए, मुसम्बी हो गया, वो आते हैं citrus family के अंडर. तो citrus family में क्या होता है, जो न्यूसेलर सेल्स हैं जो एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू में आते हैं. लेट मी चेंज द कलर. तो इमेजिन करो ये है हमारे न्यूसेलर सेल्स, है ना, जो एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू में आते हैं. सम ऑफ दीज सेल्स, तो न्यूसेलर सेल्स का जो प्लॉइडी है, न्यूसेलस का प्लॉइडी क्या है, इट इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, इट्स अ स्पोरोफिटिक टिश्यू. तो ये जो न्यूसेलर सेल है वो डिवाइड होके it starts giving rise to embryos। और जो ये एम्ब्रियो है वो प्रोट्रूड होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। प्रोट्रूड मतलब जब वो डिवाइड होते हैं तो वो घुस जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये है हमारा सेकेंड टाइप। अब ऐसे स्पीशीज में जैसे सिट्रस हो गया और मैंगो हो गया, यू विल सी दैट ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज। अब एक ओव्यूल में अगर एम्ब्रियो सैक भी फॉर्म कर रहा है एम्ब्रियो, और अगर न्यूसेलर सेल भी फॉर्म कर रहा है एम्ब्रियो, तो एक ओव्यूल में मल्टीपल एम्ब्रियोज हो गए, है कि नहीं। हमारे पास ओव्यूल था, उसमें थे हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, और उसके आजू बाजू में था न्यूसेलस। अब न्यूसेलस भी डिवाइड होकर एम्ब्रियो दे रहा है, एम्ब्रियो सैक में भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक ओव्यूल में मल्टीपल एम्ब्रियोज हो गए, एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गए, है ना। इसको हम बुलाते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मेनी एम्ब्रियोज कहाँ पे, इन वन ओव्यूल। ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन हुआ कैसे, एपोमिक्सिस की वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन अराइव हो रहा है या डिराइव हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपसे बोला जा रहा है टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड। ये आपको ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोप के अंडर करना है। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड। What would be the genetic nature of apomictic embryos? Can they be called clones? क्या आप apomictic embryos को clones बुला सकते हो? What do you think? क्या आप उसे clone बुला सकते हो? बिल्कुल, yes। क्यों? क्योंकि sexual reproduction हुआ ही नहीं। There was no sexual reproduction, वेरिएशन नहीं था, there was no variation, and because of which you can call them as clones। तो जो genetic nature of apomictic embryo है, that is exactly similar to the parent, that is why you're calling them as clones। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर आ गया। तो दो मेथड दिए हैं आपको एपोमिक्टिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन के या सीड फॉर्मेशन के, और दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं। एंड देन दे हैव स्पोकन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। चलो, अब एपोमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियोनी को हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ डू वी एक्सप्लॉइट इट फॉर आवर बेनिफिट, ये दिया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। ये भी देख लेते हैं हम। Hybrid varieties of several of our fruit and vegetable crops are being extensively cultivated। हम बहुत सारे hybrid varieties cultivate कर रहे हैं। राइस का हो गया, wheat का हो गया, pulses, legumes, fruits, vegetables, तो ऐसे बहुत सारे hybrid varieties हैं जो cultivated है और जो market में circulate भी हो रहे हैं। In fact, many of the crops that we buy are hybrid। Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity increase करने के लिए hybrids को grow किया जाता है। One of the problems of hybrid is that the hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from hybrids are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character। ये है प्रॉब्लम हाइब्रिड वैरायटी की, ये है प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड वैरायटी। ये क्या है, ये है एक डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड्स। आप हाइब्रिड्स कैसे प्रोड्यूस करते हो, यू हैव टू क्रॉस पॉलिनेट टू प्लांट्स विद डिजायर्ड क्वालिटीज। जैसे एक में हाई कल्टीवेशन एबिलिटी है और दूसरे में है डिजीज रेजिस्टेंस पावर। ये दोनों प्लांट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज बट वेराइटी डिफरेंट है, तो आपने इनको क्रॉस पॉलिनेट किया और इनसे जो सीड्स बनी, इनके पास दोनों पावर्स है। एक है बेटर कल्टीवेशन का, मतलब हायर प्रोडक्टिविटी का, और एक है डिजीज रेजिस्टेंस का। अब ये जो सीड आपको मिला है थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, थ्रू द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, अगर आपने इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का चांस दिया तो ये दोनों कैरेक्टर सेपरेट हो जाएंगी। हम सबने जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, राइट? तो ये जो कैरेक्टर्स है ये सेपरेट हो जाएंगी, जो हमें नहीं चाहिए। वी वांट कि ये दोनों कैरेक्टर साथ में रहे इन द अपकमिंग कल्टिवेशन। तो हमें क्या करना है, एवरी ईयर वी विल हैव टू डू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड ब्रिंग दीज सीड्स टुगेदर। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर साल हाइब्रिड वेराइटीज प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करो, फ्लावर्स को इमैस्कुलेट करो, पोलन को डस्ट करो। बहुत टीडियस प्रोसेस है ये, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत एनर्जी और टाइम जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे ओवरकम करें, हाउ डू वी ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, hence the cost of hybrid seed becomes too expensive for the farmers. This is also a problem of hybrid. अब इन hybrids को हमें cost effective बनाना है, तो what we can do? If these hybrids are made into apomictic seeds, अगर आपने इन hybrids में apomixis introduce कर दिया तो character segregate नहीं होंगे। कैसे? तो आपने एक hybrid seed बनाया और इस हाइब्रिड सीड में वो वाले जीन्स भी हैं जो एपोमिक्सिस दिखा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीड में अगर एपोमिक्सिक दिख रहा है तो व्हाट विल हैपन, एपोमिक्सिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जो एम्ब्रियोज बनेंगे वो क्लोन होंगे ऑफ द हाइब्रिड। तो जो कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, द कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट। सो इन दैट केस द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स to raise new crop every year so that he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer these genes to the hybrid varieties. So what does it say here? आप जब हाइब्रिड सीड बना लेते हो तो अगर आपने उसमें एपोमिक्टिक जीन्स को आइडेंटिफाई करके इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये जीन्स क्या करेंगी, ये हाइब्रिड सीड को एक ताकत देंगी कि वो अपना एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बना ले। अगर एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बन गया विच इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। कैरेक्टर सेग्रीगेशन कब होता है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What did you do? मैंने क्या किया, मैंने genes निकाले which are responsible for bringing about apomixis and I introduced them into the hybrid varieties. तो ये जो hybrid seeds produce हो रही हैं वो अपना embryo बना रही हैं without the help of sexual reproduction. तो जो मैंने rice plant produce किया है which is a hybrid, वो अपना seed बना लेगा without pollination, है ना, without cross pollination. फर्टिलाइजेशन का पूरा इवेंट स्किप करके वो खुद अपना सीड का सेटिंग कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने एपोमिक्टिक का जीन जो है वो इंजेक्ट किया हुआ है, इंजेक्ट इन द सेंस इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन द प्लांट। मेरा काम आसान हो गया क्योंकि मुझे चाहिए था कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना दिखाए, एंड मैंने क्या किया, एपोमिक्टिक जीन इंट्रोड्यूस किया तो वो अपना सीड प्रोड्यूस कर रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। This is how apomixis can be used in the hybrid variety production. So this was about the chapter sexual reproduction in flowering plants. I hope you enjoyed the content. And इसके बाद मैं लेके आ रही हूँ problem solving session from NCERT exemplar on the same chapter. और उसके बाद हम करेंगे the much awaited principles of inheritance and variation. So I will see you in the next class. Stay tuned to NCERT Basics. Playlist of the entire chapter is available in our channel. If you want, you can visit that. Thank you.